हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये एक कंटिनेंट है, ये कंट्री भी है और ये एक आइलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के इस रीजन में पाया जाता है जिसको हम ओशनिया कहते हैं। एंड दिस ओशनिया इट लाइज इन द इंडियन ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशन। सो व्हेन वी ट्रीट ऑस्ट्रेलिया एज अ कंटिनेंट, ये दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है, नंबर 7 पे। एंड व्हेन वी ट्रीट ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इट इज द लोवेस्ट, इट इज द फ्लैटेस्ट एंड इट इज द ओल्डेस्ट कंटिनेंटल लैंड मास ऑन द अर्थ। एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज द ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कंटिनेंट। ड्राइएस्ट कंटिनेंट इज एंटार्क्टिका, बट इट इज द ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कंटिनेंट बिकॉज एंटार्क्टिका इट इज अनइनहैबिटेड। सो ऑस्ट्रेलिया इट इज द ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज दे आर फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ द प्लेट्स। दिस इज द रीजन विच कंटेन्स ऑस्ट्रेलिया। इस सारे रीजन का हम ओशेनिया बोलते हैं। ओशेनिया में हमें क्या क्या मिलेंगे? ओशेनिया में हमें ये आइलैंड्स मिलते हैं जिनको हम पॉलिनेशिया बोलते हैं। यहाँ पे ये वाले आइलैंड्स मिलते हैं जिनको हम माइक्रोनेशिया बोलते हैं, ये वाले आइलैंड्स जिनको हम मेलानेशिया बोलते हैं, और ये वाला रीजन जिसको हम ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। सो इन ओशनिया वी हैव द पॉलिनेशिया, द माइक्रोनेशिया, द मेलानेशिया एंड द ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, इसके साथ दिस आइलैंड तस्मान आता है, तस्मानिया आइलैंड आता है। ये नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड, ये दोनों आते हैं। एंड समटाइम्स वी टेक दिस न्यू गिनी अलॉन्ग विद दिस। सो इस सारे रीजन को हम ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव द एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय सम सीज। वन इज नोन एज द टिमोर सी, अदर इज नोन एज द अराफोरा सी। सो ऑस्ट्रेलिया इट इज डिवाइडेड फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ एशिया बाय द अराफोरा सी एंड टिमोर सी, विच आर बोथ सीज ऑफ द इंडियन ओशन। एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूजीलैंड बाय दिस सी विच इज नोन एज तस्मान सी। आगे चलेंगे। ओशनिया क्या है? ओशनिया इज द जियोग्राफिकल रीजन जिसमें हमारा मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया आता है, जैसा कि अभी आपने मैप में देखा। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या आता है? इसमें मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, इसमें बाकी आइलैंड्स आते हैं जैसे तस्मानिया आता है, और इसमें आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया भी आता है। हम मैप फिर से देखेंगे। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दिस ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पैसेज निकलती है जिसको हम बेस स्ट्रेट बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में समंदर है जिसको हम तस्मान सी बोलते हैं। यहाँ इंडोनेशिया और एशिया है, एशिया के आइलैंड्स हैं, इनके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीज हैं, एक को हम बोलते हैं टिमोर सी, दूसरे को हम बोलते हैं अराफोरा सी। आगे चलेंगे। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस मैप को गौर से देखो तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे। दीज आर नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इट इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ। दिस इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज नोन एज गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। हियर वी हैव द अराफोरा सी एंड वी हैव द टिमोर सी। दीज सी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एशिया एंड वी हैव दिस तस्मान सी विच सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। आगे चलेंगे। द बाउंड्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज नो लैंड बाउंड्रीज बिकॉज इट लाइज होली एंड सोली इन सीज। इट इज सराउंडेड बाई द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई अराफोरा सी एंड टिमोर सी, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम न्यूजीलैंड बाई द तस्मान सी, जैसा आपने मैप में अभी देखा। कोराल सी, कोराल सी लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। कोराल सी कहाँ से है? कोराल सी यहाँ से है। दिस इज नोन एज द कोराल सी, और इसी कोराल सी में आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है बिकॉज दैट बैरियर रीफ इट इट सेल्फ इज मेड ऑफ कोरल्स, हेंस द सी इज कॉल्ड द कोराल सी।
ऑस्ट्रेलिया इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया। एंड बेस स्ट्रेट, जैसा कि मैंने अभी बोला, इट सेपरेट्स द मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। देर आर सिक्स लैंड फॉर्म डिविजन इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन रिमेंबर फ्यू ऑफ देम। द ईस्टर्न हाईलैंड दे इंक्लूड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जैसा आपने मैप में देखा। द ईस्टर्न एल्यूवियल प्लेन्स एंड लोलैंड, दिस प्लेन्स एंड लोलैंड आर फॉर्म्ड बाई द मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स, मुर्रे एंड डार्लिंग बेसिन। एंड हियर वी हैव द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आर्टिसियन बेसिन इन फैक्ट। द साउदर्न ऑस्ट्रेलियन हाईलैंड्स लाइक द फ्लिंडर्स रेंज, द आयर पेनिनसुला, द वेस्टर्न प्लेचू हैविंग द नुलार बोर प्लेन, द नुलार बोर प्लेन, द सेंट्रल डेजर्ट्स एंड द नॉर्दर्न प्लेचू एंड बेसिन्स हैविंग द टॉप एंड। आगे चलेंगे, दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगेन दिस इज द फिजिकल मैप। वी हैव द ग्रेट आर्टिजियन बेसिन हियर फॉर्म्ड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज एंड we have the underground reservoir of water in this region. We have the Great Barrier Reef here. We have the Coral Sea here. And we have the Gulf of Carpentaria here. Timor Sea and Arafura Sea. And this is the Tasman Sea. We have the Great Dividing Range here. And this portion is the Queensland. This is the Northern Territory. This is the Western Australia, this is the South Australia, this is the New South Wales, and here we have the Victoria. Yeah, humko aage clear ho jayega. The Eastern Australia, jaisa ki maine abhi bola, it is marked by the Great Dividing Range, jo coast ke parallel chalta hai in the Queensland, in the New South Wales and Victoria. The northernmost point of East Coast is the Cape York Peninsula. This is the Cape York Peninsula. ये हमारा East Coast है, इसका Northern Most portion यही है। इसके एक side Coral Sea है, दूसरे side Gulf of Carpentaria है। ये है Western Australia. This is the Northern Territory. This is the South Australia. This is the Queensland. This is New South Wales. This is Victoria. और इसके नीचे South में हमारा Tasmania है। So this is the Gulf of Carpentaria. This is the Coral Sea. And here we have the Cape York Peninsula. This is the Cape York Peninsula. We have the Great Dividing Range spreading from Queensland through New South Wales to Victoria. The extreme points of Australia. Here we are dealing with the extreme points of mainland only, and we are excluding the islands and the Australian Antarctic Territory. So mainland of Australia, iska northernmost point Queensland mein hai, southernmost point Victoria mein hai, easternmost point New South Wales mein hai, and westernmost point Western Australia mein hai. To in points ka naam, northern point, it is known as Cape York Peninsula, jaisa ki aapne abhi dekha. The southernmost point, it is known as the South Point. The easternmost point, it is known as the Cape Byron. And the westernmost point, it is known as the Steep Point. Iske baad, the highest point in Australia, yahan pe khayal rakhna hai. The highest point in the Australian mainland, when we exclude the islands and the Australian Antarctic Territory, the highest point hai hamara Mount Kosciuszko. The Mount Kosciuszko is the highest point in the Australian mainland. While, agar hum islands ko bhi include karein, the highest point is the Mawson Peak. The Mawson Peak is on the Heard Island. Agar humne Australian mainland ke saath islands bhi include kiye. Haan, agar humne Australian mainland ke saath islands include kiye aur unke saath humne Australian Antarctic Territory ko bhi consider kiya, then the highest point is Mount McClintock. So, the highest point in Australia is Mount McClintock if we consider the Australian Antarctic Territory plus islands with the mainland. Excluding the Australian Antarctic Territory, the highest point is Mawson Peak, and excluding the Australian Antarctic Territory and the islands, the highest peak in the mainland is Mount Kosciuszko. And the lowest point
इज लेक एयर, एंड लेक एयर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस इज द टॉप फोटोग्राफ ऑफ माउंट कोशिस्को. दिस इज लेक एयर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया. दिस इज लेक एयर, दिस इट्स फोटोग्राफ. These are some of the national parks of Australia. Royal National Park, it is Australia's first national park. It is the oldest national park of Australia, and in fact, it is the second national park in the world, established in 1879. It is present in New South Wales. The other national parks are, there are hundreds of national parks. The other ones are Bordiri National Park, the Christmas Island, Kakadu, Norfolk, Pulu Keeling, Uluru Kata Juta, and there are so many other national parks in Australia because of its rich biodiversity. Waterfalls. The tallest waterfall in Australia is Wellamane Falls. The Wellamane Falls, it is present in Queensland. It is present in the Giringun National Park. The Wellamane Falls are present in Queensland's Giringun National Park on Stony Creek, and the Stony Creek is itself the tributary of Herbert River. This is the Wellamane Falls. Important rivers of Australia. Murray River, it is the largest and longest river of Australia. Murrumbidgee River, it is a tributary in fact of Murray River. The Darling River, it itself is a tributary of Murray River. Lachlan River, it itself is a tributary of Murray River. Warrego, Cooper Creek, Paroo. But the most important river is the Murray River. It is present on the southern portion of Australia. Here you can see the map. This is the Murray River. It falls here into the southern ocean. Here are its tributaries. Murrumbidgee, Lachlan, Darling. And here it falls into the sea. This is the Murray River. Here it falls into the Southern Ocean. Islands of Australia. Australia itself is an island. It is called the island continent. Tasmania. It's an island of Australia. Melville Islands. Kangaroo Islands. The Fraser Island is the important island because it is the largest sand island in the world. Flinders Island, King Island, and Mornington Island. Important cities of Australia. Sydney is the most important city of Australia. It is the largest and most populous city of Australia. Ye kahan pe paayi jaati hai? New South Wales. Ye yaad rakhna hai. Melbourne is present in Victoria. Brisbane is present in Queensland. Perth is present in Western Australia. Adelaide is present in South Australia. Canberra, which is the capital of Australia, it is present in New South Wales. So, hamari Sydney, the most important city, and Canberra, they are both present in New South Wales. This is a photograph of the city of Sydney, and this is the famous Opera House of Sydney. Can you remember it? Some other points about Australia. The Great Barrier Reef, which is present in the northeast coast of Australia, of Queensland, is the world's largest coral reef. आप याद रख सकते हैं द ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन. ये आप याद रख सकते हैं. माउंट ऑगस्टस इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथ सिंगल रॉक. एंड माउंट कोशिस्को इट इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट इन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. हियर दिस इज द फोटोग्राफ, दिस इज द सेटेलाइट फोटोग्राफ ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ. This is a Great Barrier Reef along the coast of Queensland. This is the Great Barrier Reef. It's a pic from the website of NASA. And here we have the Queensland. This is the northeast coast. And this is the Great Barrier Reef. And here we have the Coral Sea, because corals form the Great Barrier Reef. This sea is called Coral Sea. So this is it. आपको ये वीडियो कैसा लगा? दिस वॉज अ ब्रीफ वीडियो अबाउट ऑस्ट्रेलिया. आपको वीडियो कैसा लगा आप काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.